प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और आज इस कार्यक्रम में हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो आपके हमारे मन से बहुत अभिन्न रूप से जुड़ा है। जैसे हम कहते हैं कि पृथ्वी में 80% जल है, और हम ये भी कहते हैं और सुनते हैं कि मनुष्य के शरीर में भी 80% पानी है। वैसे ही हमारे जीवन में भी ये सच है कि 80% चुनौतियां ही हैं। 20% वो कपूर की तरह आने वाला सुख है जो थाली में जलाते ही बड़ी अच्छी रोशनी और सुगंध फेंककर अदृश्य हो जाता है, उसके चिन्ह भी नहीं बचते। लेकिन इस पीड़ादायक माने, दारुण दुख देने वाला माने, कष्ट माने, चैलेंज माने, इसके बीच में कुछ लोग मन लागो मेरो यार फकीरी में कैसे कह पाते हैं और क्यों खुश रह पाते हैं। तो क्या इसका ये अर्थ हम माने कि जीवन में खुश रहने का या चुनौतियों के बीच में मुस्कुराने की एक ही वजह है, प्रभु ईश्वर। और वही वो चिरंतन आनंद है जो गहन गंभीर परिस्थितियों में भी न उम्मीद का दामन हमसे छुड़ा पाता है और न ये हमसे कह पाता है कि अरे हम तो बड़ी नारकीय परिस्थितियों में रह रहे हैं। क्योंकि जिस सनातन परंपरा से ये उक्ति निकलती है कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है, यानी जिन परिस्थितियों में ईश्वर रख रहा, रखने वाला तो वही है, फिर आप क्यों चिंतित हैं, क्यों परेशान हैं। लेकिन इसको समझना होगा। सुनने में कहने में ये बड़ा सहज प्रतीत होता है, नहीं तो मनुष्य की कष्ट चुनौतियों से निपटने की प्रवृत्ति का आध्यात्मिक जगत से संबंध क्या है, इसको जानेंगे अपने विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी। आपने बहुत अच्छी भूमिका के साथ एक सहज संक्षिप्त लेकिन प्रत्येक जीवन में व्याप्त प्रश्न को स्पष्ट किया है जी। कि दुख का संबल कौन है, कैसे हम वो संबल प्राप्त करें कि हमारे जीवन में दुख का समय निकल रहा है। और आपने एक अच्छी बात कही कि 80% भाग तो मनुष्य के जीवन की चुनौती और दुखों से भरा हुआ है, तो ऐसा कौन है जो बहुतेरे जीवन में संबल बनकर हमारे साथ खड़ा रहे। आप ध्यान रखिए, अध्यात्म वो प्रबल मनोबल है जो दुख के लिए ही बना है, और दुख केवल संसार का भास है जिसके लिए आप इस संसार में आए हैं। जो कुछ आपको संसार में अनुभूत करना है वो सुख की नहीं है। सुख तो आपने कहा ना कपूर की तरह है, तो सुख तो उस भास का भी आभास कराता हुआ बहता है, लेकिन आपके जीवन में जो निरंतर चलता है प्रत्येक पद में वो दुख ही है। हम दुख के लिए एक शब्द का उपयोग करते हैं शरद जी, दुख बांट लीजिए। हम दुख के लिए एक शब्द उपयोग करते हैं कि दुख बांट लीजिए। अब आप देखिए, दुख बांटने के लिए खड़े रहना जरूरी है। दुख बांटने के लिए खड़े रहना जरूरी है। जिसके जीवन में प्रतिकूल क्षण आता है ना, जब वो संघर्ष कर रहा होता है, यदि वो अस्पताल के चक्कर लगा रहा है और पत्नी बच्चे या परिवार का कोई सदस्य या आदमी जन वहां बीमार पड़ा है, तो मलिन मुख से दरवाजे में खड़ा हुआ रहता है। धन की व्यवस्था तो उसने कर ली है, लेकिन टूटा हुआ है, किसी कंधे में रखकर सर रोना चाहता है, किसी की आंखों में प्रेम देखना चाहता है, किसी के हाथों का स्पर्श अपने ऊपर चाहता है, तब वहां देखता है कि कौन लोग खड़े हैं। लेकिन ये खड़े रहने वाले लोग आज के युग में व्हाट्सएप में, टेलीफोन में, फोन में उनको केवल संदेश भेजते रहते हैं कि बड़ा दुख हुआ हमें मालूम चला, हमारे लायक कोई काम हो तो बताना, आप कहो तो आए। उसको यदि ये सुध होती कि आप आओ, तो आने का काम तो चिकित्सक कर रहा है, देखने का काम तो चिकित्सक कर रहा है, तब वहां किसकी प्रतीक्षा उसे है? एक ऐसे व्यक्ति के स्पर्श की प्रतीक्षा है जो उसे आते ही कहे काहे चिंता कर रहे हो, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल मनोबल नहीं गिराओ। तो यहाँ एक विशुद्ध प्रेम की अनुभूति होती है, और जहां पर राग नहीं होता वहां विराग और वैराग की उत्पत्ति होती है, जो अध्यात्म की पहली सीढ़ी। बहुत सुंदर बात कही वो अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। तो आपके लिए जितने भी अध्यात्म की कथा
जितनी भी सनातन संस्कृत में पुराण बने हैं, जितने भी संतों के जीवन में कथाएं, जितने भी पुरुषार्थियों के पुरुष की कल्पना है, वो सारे पराक्रम दुख को संबल प्रदान करने के लिए है। कभी आप भगवान राम के चरित्र को ध्यान करते हैं शरद जी, तो उनका वो दिव्य ऐश्वर्य याद नहीं आता, उनके वो त्रिलोकपति की छवि ध्यान नहीं आती, उनके वो दंडक वन में घूमते हुए सीता के लिए रावण से युद्ध करते हुए, नंगे पांव चलते हुए, अपने भाई की मूर्छा को त्याग करते हुए, वानरों का साथ लेते चलते हुए, और जब कभी मैया सीता का ध्यान आता है तो देखिए श्रृंगार भी है तो कहाँ है कि बगीचे में एक दूसरे को देखा है बस, बगीचे में एक दूसरे को देखा है बस। प्राण प्रिय है दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरव नाथ बम संकट भारी। एक ऐसी स्त्री की परिकल्पना आती है जो शत्रु के बगीचे में बैठकर भी निज नयन को परमात्मा के चरणामृत में रखते हुए केवल प्रियतम को याद कर रही है। कितना बड़ा मनोबल आपका बढ़ता है कि चिंता नहीं करो, जैसे सीता के राम हुए हैं वैसे हारे के भी राम कहीं ना कहीं होंगे। तो उनकी मर्यादा ध्यान आती है, उनका ईश्वर ध्यान नहीं आता। जब कृष्ण को देखते हैं तो द्वारकाधीश कृष्ण ध्यान नहीं आते, कृष्ण का वो प्रभुत्व वो ऐश्वरत्व ध्यान नहीं आता। कृष्ण हमें ध्यान आते हैं कि कैसे द्रौपदी का चीरहरण किया बचाया था उन्होंने, कृष्ण हमें ध्यान करते हैं कि कैसे वो प्रेम गंगा बहाते हैं, कृष्ण हमें ध्यान आते हैं कि कैसे वो गोपियों के घर जाकर माखन चुरा कर खाते हैं। तो ये उनकी लीलाएं प्रेम का संबल है, दुख के विरुद्ध है, कष्ट की परम अनुभूति। देखिए हमारे जितने भी कथा पुराण हैं जीवन बने हुए, क्या तुकाराम के जीवन में कम कष्ट था, क्या मीरा के जीवन में कम कष्ट था, क्या सबरी के जीवन में कम कष्ट था, हर प्रत्येक साधु संत कष्टों का जीवन जीते हैं और परमात्मा की कृपा का अर्थ वो ऐश्वर्य संपन्न नहीं होते कहीं। सूरदास पर ऐसी कोई कृपा नहीं हुई कि सूरदास की दोनों आंखें आ गई हो और सूरदास जी जो है चक्रवर्ती सम्राट बन गए हो, ये कृपा नहीं होती। तो दुख के विरुद्ध जो है अध्यात्म क्यों स्थापित होता है, क्योंकि हमारी जितनी भी कथाएं हैं संसार क्षेत्र में चुनौती दुख ही है कि इसके विरुद्ध आप कैसे खड़े होते हो, क्या आप दुख को देखकर मुस्कुराते हो, क्या दुख में नहीं घबराते हो। तो जब कभी आप किसी के दुख को बांटने के लिए जाएं तो इन कथाओं के सहारे जाना पड़ता है। आप देखते हैं सुख के दिनों में सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं तो कथा में दुख ही दुख है कि कैसे कलावती के जीवन में दुख आया, कैसे लकड़हार जो है वो दुख प्राप्त कर रहा था, कैसे राजा के जीवन शापित हो गया था। तो किसका संबल था उसके जीवन में, कौन सा संबल था? वो संबल था धीरज धर्म मित्र और नारी और आपत्काल पर रखी ओचारी। पिताश्री कहते थे कि विपत्ति बराबर सुख नहीं, विपत्ति बराबर सुख नहीं। आपके जीवन में कष्ट आए तो आप समझ लीजिए परम सुखी होने के दिन आ गए। विपत्ति बराबर सुख नहीं, जो थोड़े दिन हुए हैं और बंधु मित्र और इष्टजन जान पड़ाई सबको, तो ऐसे समय में बांटने का होता है। देखिए निर्बल के बलराम हमेशा आप उनको वही उदाहरण दीजिए, एक तड़पते आदमी को कहिए कि अरे वो जब बिना बोलने वाले हाथी की रक्षा परमात्मा ने की थी, जब उस पाषाण शिला को परमात्मा ने अपने करुणा से सजीव बना दिया था तो तुम पर क्यों कृपा नहीं करेंगे। ये है अध्यात्म का संबल, ये देना। आप देखिए कौन सा कष्ट महापुरुषों के जीवन में नहीं आया, तो संबल किसका लें? वही जो आप कह रहे थे, जिंदगी की डोर सौंप बिल्कुल हाथ दीनानाथ के, बिल्कुल सही। और महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे, धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए, और जही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। आपने बड़ी जो आपके जीवन में आए, जो आप बड़ी सुंदर बात कही आपने, और समापन के पहले एक सच्ची कथा जो मेरे साथ भी घटी, दो छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से विराम देंगे। जो बात आपने कही, जब सीमा पर चुनौतीपूर्ण स्थितियां बनती हैं तो हम चैनल डिस्कशन के लिए सैन्य अधिकारियों को आमंत्रित करते हैं, और भारतीय सेना के अद्वितीय पराक्रम और अपनी शक्ति का स्मरण करके हम लोग गौरवान्वित होते हैं। ऐसे ही एक ब्रिगेडियर साहब हमारे पास आए, उम्र होगी 70 साल के आसपास, 71 के युद्ध में उन्होंने, जिसमें बांग्लादेश बना, पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए। बातचीत जब हम स्टूडियो के बाद डिस्कशन के बाद कर रहे थे तो मैंने सहज भाव से, जैसा हम पूछते हैं, मैंने उनसे पूछा और सब बढ़िया, सब ठीक है सर? बोले इतना आनंदित हूं कि कुछ नहीं, मैं मेरी पत्नी, कोई समस्या नहीं है।
शाम को आनंदित भाव से बैठता हूँ, कुछ गजलें गुनगुनाता हूँ। मैंने कहा और कुछ सब सेहत वगैरह कैसी है? उन्होंने कहा बस एक छोटी सी बीमारी है लेकिन उसको तो मैं यूं रखता हूँ, और उस बीमारी का नाम है कैंसर। मैं स्तब्ध रह गया कि कैंसर को वो ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई छोटा सा फोड़ा है और निकल गया। ये उनकी जिजीविषा। दूसरी कथा सोशल मीडिया पर भी काफी देखी जाती है। अमेरिका के एक लब्ध प्रतिष्ठित चिकित्सक अमेरिका के जिस शहर में थे वो वहां से 6 घंटे दूर कहीं उनको आमंत्रण, फ्लाइट में बैठ के उस शहर में उतरते हैं, वहां से भी 2 घंटे सड़क मार्ग से पहुंचना, आधा रास्ता भी वो तय नहीं करते हैं कि भयानक तूफान, और इस तूफान के बीच में वाहन चालक असमर्थता जताता है गाड़ी नहीं चला पाऊंगा। आसपास कहीं सन्नाटा, दूर थोड़ी सी रोशनी दिखती है, एक छोटा झोपड़ी जैसा घर। वहां पहुंचते हैं, देखते हैं एक वृद्ध महिला है जो भगवान के सामने प्रार्थना कर रही है, हे प्रभु मुझे पूरा विश्वास है मेरे पास जो कुछ भी ना हो लेकिन मेरे पुत्र के लिए जिसको एक बड़ा रोग है तू जरूर उसका ध्यान रखेगा, उसे स्वस्थ करेगा। डॉक्टर परेशान है क्योंकि कॉन्फ्रेंस जहां जाना है वो बहुत विचलित हैं कि वहां नहीं पहुंच पा रहा हूं, झुंझलाए हुए बार बार आसमान देखते हैं कब ये बारिश रुके, तूफान रुके। लेकिन मन बहलाने के लिए उस महिला से बात भी करते हैं, डॉक्टर है तो पूछते हैं माँ तेरे बेटे को क्या हो गया? वो महिला बताती है कि इसको ये बीमारी है और मैंने सुना है कि न्यूयॉर्क में कोई चिकित्सक हैं जो इसका उपचार समझते हैं, मैं तो नहीं ले जा सकती लेकिन मुझे अपने ईश्वर पर भरोसा है। वो स्तब्ध रह जाते हैं, डबडबाई आंखों से कहते हैं माँ तू जिनके सामने प्रार्थना कर रही थी तेरी प्रार्थना में कितना असर है कि तूने वो कॉन्फ्रेंस उस शहर में रखवाई, तूने मुझ जैसे व्यस्त चिकित्सक को फ्लाइट लेके इस शहर में पहुंचाया, और उस गाड़ी में जब मैं बैठा तो तूने उससे कहकर इस तूफान और इसकी रचना की, और तूने मुझे यहां बुला लिया, तो तेरी प्रेयर में कितनी शक्ति है, अद्भुत है माँ, और मैं प्रणाम करता हूं तेरे प्रभु को और तेरी शक्ति को। देखिए मैं आपको बताऊं, ये आपने रोमांचित करने वाला दृष्टांत यथार्थ का सुनाया। मैं आपको बताऊं, एक पुराने समय में एक बड़ी अच्छी पंक्ति प्रचलित थी कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काय को होए। मैं इसकी गुणता नहीं समझता था, इसकी यथार्थता को मैंने देखा कि सुख में सुमरने का अर्थ होता है कि जब आप सुख में उसका सुमरण करेंगे तो उसके सुमरण करने का अर्थ होता है त्याग भाव आप में आ जाएगा और आप दुख के प्रति सचेत हो जाएंगे, फिर दुख आपकी आत्मीयता में बस जाएगा। क्यों बस जाएगा? क्योंकि दुख की विरक्ति बनी रहेगी। कृष्ण मंदिर में मैं पहुंचा बिहारी जी के, और मैंने देखा कि पीछे किसी की रोने की आवाज आ रही है। उस समय शरद जी जो वृंदावन में बिहारी जी बैठे हैं वहां ऊपर फुहारा चला देते थे, बारीक जलवृष्टि के बीच कृष्ण के दर्शन करते रहिए और भाव ही हल रही है। एक व्यक्ति अश्रुपात करते हुए कह रहा था बेटी ब्याही नहीं जाएगी, धन नहीं है पास में, परिजनों ने छोड़ दिया है, जमीन बिक गई है, बारात आने को है, कौन करेगा तैयारी कन्हैया, तुमने तो द्रौपदी की लाज रखी, तुमने जो है अर्जुन के कास संवारे, तुमने सुदामा की रक्षा की, तुमने उद्धव को संवारा, हे कन्हैया तुझे आना ही पड़ेगा। किसी बात का उसे भय भ्रम नहीं था, कोई लोकाचार नहीं था। मैं पलटा तो पिताजी ने मुझे हाथ खींचकर कहा इनके पास परमात्मा है इस समय, इनके दिव्य दर्शन करिए, क्योंकि भाव नेत्रों में करुणा से नहाए हुए हैं। ये है पुकारना, हाथ फैलाइए, कर्म करिए, लेकिन हाथ फैलाइए तो प्रार्थना के लिए फैलाइए, वो अंतर चित्त में है, वो किसी मुखार बिंद से प्रकट होकर तुम्हें संबल प्रदान करेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात को भी आपको हमको समझना बहुत जरूरी है। चमत्कार के प्रति हम सबकी बहुत सहज जिज्ञासा और बहुत सहज उत्सुकता होती है, और ईश्वरीय चमत्कार के प्रति तो हम सब इस तरह की कथाओं को बहुत वर्णित करते चलते हैं, लेकिन बहुत मैं कहूंगा वो शायद सौभाग्यशाली ही होंगे कि जिनके जीवन में ऐसे चमत्कार घटते भी हैं। दुख वो पारस पत्थर है जो आपको जीवन जीने की कला सिखाता है। दुख दरअसल जीवन के प्रति जो हमारी दृष्टि है कि ये दुख है ये सुख है,
ईश्वरीय आस्था इस सुख दुख के अंतर को समाप्त कर देती है। जो जीवन में है, जो प्राप्त है, वही पर्याप्त है। यही है, ये भी सही वो भी सही, जीवन पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। इस दृष्टि का नाम है अध्यात्म। आप अगर चमत्कार मानेंगे कि एक बेलपत्र जीवन बदल देगा, ये अंगूठी जीवन बदल देगी, नेपाल से आने वाला काठमांडू, वर्मा से आने वाला रुद्राक्ष एक मुखी बदल देगा, इस आस्था को रखिए अपने भीतर। कोई हर्ज नहीं है इसको अंगूठी पहनने में, रुद्राक्ष को धारण करने में। आपकी आस्था है, आप करिए, लेकिन ईश्वर से जुड़ने का अर्थ है कि आपको सुख और दुख सम लगने लगे, इनका अंतर ही मिट जाए। और तभी तो है, तभी तो जीवन समझ में आता है, जब सुख और दुख का अंतर समाप्त हो जाता है। बहुत आनंद आया गोस्वामी जी। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।